अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपने लिए, अपने घर के लिए जो है वो एक्सपेंसिव मार्केट टार्ट्स जो हैं वो घर में इतनी सिंपल सी रेसिपी के साथ और जस्ट फ्यू इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने लिया जी 150 ग्राम बटर और 1/3 कप जो है वो हमने इसके अंदर ली है शुगर। और ये हो गया माल फंक्शनिंग बटर, थोड़ा सा बाहर निकल गया बीटर में। एक्चुअली बटर जो था वो मेरा रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं था, वो थोड़ा सा हार्ड था। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब बटर लें तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपने लेना है। सबसे पहले आपने लेना है जी 150 ग्राम बटर, उसके अंदर आपने 1/3 कप शुगर डाल दी है और फिर उसके अंदर हम डालेंगे 1 एग वाइट। और उसके बाद आपने इसको जो है वो स्लो उसके ऊपर नंबर के ऊपर जो है वो बीटर से आपने इसका इसको बीट करना है। और इसका जो टेक्स्चर बनेगा वो थोड़ा क्रम्बी सा इसका टेक्स्चर बनेगा, जिस डो को बाद के में हमने अच्छे तरीके से गूंधना है, नी करना है डो को, और उसके बाद हम जो है वो इसके टार्ट्स बनाएंगे। और ये टार्ट्स जो हैं वो अगर आप एक दफ़ा के अंदर आप ज़्यादा मटेरियल तैयार करना चाह रहे हैं या ज़्यादा टार्ट्स बना के रखना चाह रहे हैं, आपके घर में कोई दावत आ रही है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स तक आप जो हैं वो एयर टाइट जार के अंदर जो है वो इन टार्ट्स को रख सकते हैं। 3 मंथ्स तक ये बिल्कुल ठीक रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपने अगर आप इसे बना के नहीं रखना चाह रहे तो आप इसकी डो गूंद के उसे क्लिंग फॉइल के अंदर कवर करके दोनों तरीक़ों से आप अपने डीप फ्रीज़र में रख दें। जब आपने टार्ट्स बनाने हों आप उसे लें, उसे थॉ करें, और थॉ करने के बाद जो है वो आप उसे उसके जो हैं वो आप टार्ट्स जो हैं वो फ्रेश टार्ट्स भी बना सकते हैं। देखिए जब इसका ये टेक्सचर आ गया, अब इसके अंदर हम लोगों ने 2 कप जो हैं वो हमने इसके अंदर फ्लोर डालना है और उसके बाद हमने दोबारा बीटर चलाना है। और एक दफ़ा फिर जब आप बीटर चलाएंगे तो एकदम से ये उड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी लिक्विड मटीरियल जो है वो नहीं है और इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टनेस और स्मूथनेस आएगी वो बटर से आएगी। तो वो जैसे जैसे बटर जो है वो फ्लोर में और शुगर के अंदर मिक्स होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा, तो वो एक प्रॉपर टेक्सचर बनेगा। लेकिन ये इस बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टार्ट्स अगर अच्छे आपने बनाने हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर ये कि इसका जो डो है वो जब आप नी करने यानी गूंदने से पहले जो डो का जो टेक्सचर है वो कम्प्लीटली तौर पर क्रम्बी होना चाहिए। अच्छा, इस डो से आप चॉकलेट गनाश जो हैं वो टार्ट्स वो भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह चॉकलेट गनाश के साथ जो है वो इसकी रेसिपी मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट रेसिपी, ये रेसिपी का पार्ट 1 है और रेसिपी का पार्ट 2 जो है वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके शेयर करूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ जो 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और उसके बाद इसके अंदर आप लेमन टार्ट की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हुई हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वनीला टार्ट जो लेमन टार्ट है जो कि शेजान वालों के जो हैं वो मतलब बहुत फेमस टार्ट समझे जाते हैं, और आई कैन बेट कि अगर आप इस रेसिपी से टार्ट बनाएंगे तो आप शेजान के टार्ट्स भूल जाएंगे। और बहुत ही सिंपल सी उसकी रेसिपी है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं उसके अंदर डले हुए, कोई वनीला एसेंस और ये हर कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं डली हुई है। तो जिसकी वजह से अगर आपको कहें कि ये फ्रेश नहीं है या इसका टेस्ट ऐसा है, अगर आप उस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके परफेक्टली शेजान जो किसी टाइम पे शेजान के टार्ट्स मिलते थे उस लेवल के टार्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा जी, अब ये हमने सारा डो जो है स्पैचुला से हमने सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर लिए हैं ताकि वो चीज़ें जो हैं वो उड़ के एकदम से जो हैं वो बाहर ना आए। और उसके बाद जो है वो हम लोग अब इसको दोबारा से बीटर चलाएंगे और इसका क्रम्बी सा टेक्सचर जो है वो बनाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है कि हमने जो है वो जो मैट आता है या अगर आपकी अपनी स्लैब यूज़ कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैकिश शुरू हो जाता है जब आप स्लैब के ऊपर कोई काम करते हैं। ऑब्वियसली जो लोग रेसिपीज़ बनाते हैं उन्हें पता होता है कि हमने अब सफाई का कितना ध्यान रखना है, तो इस वजह से हम लोग जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब हम मैट बिछाएंगे स्लैब के ऊपर, ये टेक्सचर आएगा इस तरह का क्रम भी। उसके बाद हमने मैट लिया, मैट के ऊपर जो है वो हमने अच्छे तरीके से जो है वो डो को जो है वो गुन्नी करना है इसकी एक। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह पहले आपने हाथों से इसे कम्बाइन करना है और फिर आपने दोनों हाथों के साथ अच्छे तरीके से इस डो को 4 to 5 मिनट अच्छे तरीके से हाथों के साथ गूंथना है ताकि बटर जो है वो आपके हाथों की हीट से जो है वो मेल्ट होकर सारे का सारा शुगर और फ्लोर के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद ये देखिए अब इसको अच्छे तरीके से हम लोग गूंदेंगे और गूंदने के बाद हम लोग इसे जो है वो हम लोग मिक्स करेंगे और इसको कंबाइन करते चले जाएंगे और इसको गूंदते चले जाएंगे। इसे आपने तब तक गूंदना है जब तक एक परफेक्ट डो जो है वो आपके सामने नहीं आती। ये जो जिसका मेरे प्रेस करने से ये डो टूट रही है ना, जब तक आपने इसको तब
तक करते रहना है, मलते रहना, जब तक ये अच्छे तरीके से शाइनी सी डो नहीं तैयार हो जाती कि बटर जो है ना वो डो के ऊपर नज़र। इस तरह आपने हाथों की हथेलियों से जो है वो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि एक परफेक्ट डो जो है वो आपके पास तैयार हो जाए। अच्छा जी, जो टार्ट्स हैं वो मैंने अलफतेह से लिए थे। आम लोकल मार्केट्स में इस साइज़ के टार्ट्स ज़रा मुश्किल मिलते हैं। मैंने प्रेस्टिज वालों के लिए था पैक जो था वो मुझे मिला था, 8 का पैक मिला था 1200 का। लेकिन बेक हाउस वालों के पास, मैं उनकी वेबसाइट का भी लिंक लगा दूंगी, बेक हाउस वालों के पास जो है वो टार्ट्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो अगर आपने टार्ट खुद घर पर ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, जब आप एक दफ़ा, जिन लोगों को शौक़ है बनाना चाहते हैं वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास, तो अगर आप ख़रीद लें तो वो फिर ये होता है कि ये लाइफ लॉन्ग जो है वो आपके पास काम आते हैं। ठीक है जी, अब आप ये देखिए, ये डो हमारे पास तैयार हो गई हुई है, अच्छे तरीके से कंबाइन हो गई हुई है। अब हम इस डो को टू पार्ट्स में डिवाइड करके इसके दो बना लेंगे पोर्शंस, क्योंकि मैंने एक पोर्शन जो था उसके लिए मैंने लेमन टार्ट्स बनाए थे और एक पोर्शन से जो है वो मैंने चॉकलेट गनाश जो थे टार्ट्स जो थे वो बनाए थे। तो इसी तरह आप, मैंने क्लिंग फॉइल लगाकर इसे डीप फ्रीजर के अंदर रख दिया था, फ्रीज़ हो गया था ये, जब मुझे ज़रूरत पड़ी मैंने इसे बाहर निकाला और निकाल कर जो है वो मैंने इसे परफेक्ट से जो है वो जो टार्ट्स जो थे वो मैंने इसे बना लिए थे। ये देखिए जी, अब आपके ये तैयार हो चुके हुए हैं और अब हम जो हैं वो इसको इसके जो है वो टार्ट्स बनाएंगे। ठीक है जी, दो पेड़े हमने, एक वो बना लिया और एक ये पेड़ा बना लिया, और उसके बाद अब हम लोग टार्ट्स लेंगे। बड़ा ही सिंपल तरीका, आपने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, उसे टार्ट के अंदर रखना है आपने और उसको चारों साइड से प्रेस करना है। ठीक है जी, जितनी देर के अंदर ये सारे का सारा काम प्रोसेस हो रहा है, आप ज़रा जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट रेसिपी की अपडेट्स जो हैं वो तमाम की तमाम आपको मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई रेसिपी की फरमाइश है, कोई आप सीखना चाहते हैं, कोई आप बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो ताकि आपके साथ जो है वो रेसिपी जो है वो बना के आपके साथ शेयर की जा सके। ठीक है जी, ये मैंने लिए थे प्रेस्टिज वालों के जो थे वो टार्ट पैंस लिए थे। अब हम छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे इसकी, और बॉल्स बनाने के बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर लगाएंगे और इसमें प्रेस करते जाने, जो एक्स्ट्रा इसका जो मटीरियल होगा वो आपने साइड के ऊपर उतारते चले जाने, क्योंकि जाहिर बात है डॉल बॉल बड़ी, और ये बिल्कुल ना बारीक आपने इसका वो रखना है क्रस्ट, ये ज़्यादा थिन नहीं रखेंगे वरना टार्ट्स आपके ऐसे बनेंगे जैसे सौगी सौगी से होते हैं। अच्छा जी, ओवन जो है वो मैंने प्री हीट के ऊपर लगा दिया हुआ है, 180 डिग्री के ऊपर बोथ ग्रिल्स ऑन है, और उतनी जितनी देर के अंदर हमारा ओवन गर्म होगा उतनी देर के अंदर जो है वो हमारे टार्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास ये जो मैंने प्रेस्टिज का पैक लिया था इसके अंदर जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स के जो थे ना वो टार्ट्स हैं, 2 बड़े राउंड हैं, 2 स्मॉल राउंड है, 2 ओवल के अंदर है और 2 रोम्बस के अंदर है। तो ये शेप्स जो हैं वो हैं, ये देखिए जी, इस तरह से आपने सारे के सारे जो टार्ट्स हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और उसके बाद जो है वो आपने इसे ओवन के अंदर बेक करने के लिए रखना है 15 से 20 मिनट, जब इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए जी, परफेक्ट टार्ट आपके तैयार हो गए। अब ये वाला जो साइज़ था, अच्छा, 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे ओवन के अंदर रखना है 170 डिग्री के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर कलर आएगा आपने इसे बाहर निकालना है और इसे आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने गर्म गर्म को निकाल लिया था, टूटेगा नहीं, गर्म गर्म को भी अगर आप निकालेंगे लेकिन सिर्फ आपका हाथ जलेगा। और आपने फिर उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर आपने इसे ठंडा करना है, और उसके बाद आपके टार्ट्स तैयार हैं। आपने इसे एयर टाइट जार के अंदर डालना है, और एयर टाइट जार के अंदर डालने के बाद आपने इसे जो है वो एयर टाइट जार के अंदर रख देना, बार बार उस जार को खोलना नहीं है, क्योंकि जितनी दफ़ा आप बार बार जार को आप खोलेंगे तो उसके अंदर एयर क्रिएट होगी और फिर ये सौगी हो जाएंगे। तो इसलिए जब आप, अगर तो आप प्री बेक करके रखना चाहते हैं तो इसे फिर एयर टाइट जार के अंदर बनाकर साइड के ऊपर रख दें, ताकि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े आप इसको जो है, ये देखिए, ये मेरे पास ओवल शेप के अंदर, जो ओवल शेप के अंदर जो था वो उसके बाद जो है वो ओवल शेप के अंदर जो था वो अब इसके अंदर टार्ट है। तो आप, ज़रूरी नहीं कि आपने राउंड बनाने हैं, आप ओवल शेप के अंदर भी जो है वो टार्ट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह ओवल शेप के अंदर ही आप डो को राउंड फॉर्म के अंदर रखें, और उसके बाद जो है वो आपके परफेक्टली जो है वो टार्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, और जितनी देर में ये टार्ट्स तैयार हो रहे हैं जल्दी से ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दीजिए। चले जी, अब ये ओवल वाला शेप जो है वो भी हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली तौर के ऊपर तैयार हो गई हुई है। ठीक है जी, अब हम इसे अपनी बेकिंग ट्रे के अंदर लगाएंगे। बेकिंग ट्रे में लगाने के बाद हम लोग इसे जो है वो बेक करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया 170 डिग्री के ऊपर बोथ ग्रिल्स ऑन होंगी हमारे पास, और उसके बाद जो है वो हम लोग
इसको जो है वो ठंडा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और उसके बाद हमने इसे जो है वो एयर टाइट जार के अंदर जो है वो हमने इसे रख देना है। अच्छा, इसे ओवन में रखने से पहले आपने जो है वो इस तरह तैयार कर लेना सारे टार्ट पैंस को। उसके बाद आपने फोक लेना है, फोक से जो है वो आपने इसे आपने इस तरह इसके अंदर ना छोटे छोटे से सुराख कर देना ताकि इसमें एयर क्रिएट ना हो और ये दोनों साइड से अच्छा एक प्रॉपर जो कलर है वो इसके अंदर जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हम इसे ओवन के अंदर रख देंगे फोक के साथ। आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको जो है वो पिंच कर लेना है और आपके परफेक्ट जो टार्ट्स हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। राइट, अब ये मेरे पास जितनी डिफरेंट शेप्स थी ना, ये सब के मैंने टार्ट्स तैयार कर लिए थे। तो अगर आप डिफरेंट शेप्स के तैयार करना चाहते हैं आप डिफरेंट शेप्स के तैयार कर लीजिए, और अगर आपने इसको खाली राउंड में बनाना है तो आप खाली राउंड में बना लीजिए जी। आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो परफेक्ट टार्ट्स गोल्डन कलर के साथ आपके पास हाजिर हैं। अब हम इसे निकालेंगे और उसके बाद हम इसे एयर टाइट जार में जो है वो रख देंगे। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।